कैमरा दे दिया, मैं भूल ही गई कि कैमरा रखा है। हाय एवरीवन, आज हम अपने डॉलेंस इन्वर्टर डिशवॉशर का इफ्तिताह कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कभी डिशवॉशर यूज़ नहीं किया है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट टाइम। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, हमने खुद अपने पैसे से इस डिशवॉशर को ख़रीदा है फॉर अबाउट 83,500 रुपीज़। और दिस इज़ नॉट अ रिव्यू, दिस इज़ अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इम्प्रेशन वीडियो। सो लेट्स गो एंड चेक आउट द अनबॉक्सिंग वीडियो फर्स्ट। हमने ये डिशवॉशर ऑनलाइन ऑर्डर किया है इस वेबसाइट से, और ये हमें लेपर्ड्स कोरियर ने डिलीवर किया है। ये इस हालत में यहाँ पहुँचा है, हमें तो काफ़ी अच्छी हालत लग रही है और हम काफ़ी सेटिस्फाइड थे। इस डिशवॉशर का इंटीरियर और एक्सटीरियर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसके साथ रिंसेड और डिशवॉशिंग टैबलेट्स दी गई हैं, जो कि आपकी दो वॉश साइकिल्स आराम से निकाल देंगी। इसके अलावा इसमें पैडिंग दी गई है जो आप डिशवॉशर के नीचे लगाएंगे। इसके साथ एक फ़नल दिया गया है, अगर आपके घर में खारा पानी आता है तो आप इस फनल के ज़रिए अपने डिशवॉशर में सॉल्ट डालेंगे। इसमें एक बास्केट भी है जिसमें आप अपनी कटलरी लगा सकते हैं। डिशवॉशर के ऊपर वाले रैक में आपको यूरोपियन यूनियन एनर्जी लेबल मिलेगा, जिसके मुताबिक इस मशीन की रेटिंग A++ है, विच इज़ द सेकेंड हाइएस्ट रेटिंग इन देयर चार्ट। इस चार्ट के मुताबिक ये डिशवॉशर एक लोड धोने के लिए 9.5 लीटर पानी इस्तेमाल करता है और बिजली का एक यूनिट लेता है। इस डिशवॉशर की ड्राइंग एफिशिएंसी रेटिंग A ग्रेड है, जो इस कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट है। और इस चार्ट के मुताबिक आप डिशवॉशर में 14 लोगों का डिनर सेट आराम से लगा सकते हैं। ये डिशवॉशर मेड इन टर्की है और इसकी इन्वर्टर मोटर 10 साल की वारंटी के साथ आती है। डॉलेंस ये क्लेम करता है कि ये डिशवॉशर खास पाकिस्तानी बर्तनों के लिए बनाया गया है और ये सिर्फ 9 रुपए में पूरा एक लोड धोता है। हम इन सारे क्लेम्स को अपने फुल रिव्यू में टेस्ट करेंगे। इस डिशवॉशर का ऊपर वाला हिस्सा और इसके बटन्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बने हुए हैं और इसकी बाकी की बॉडी स्टेनलेस स्टील की है, और हमें तो इसका ओवरऑल लुक बहुत पसंद आया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस डिशवॉशर। मैं सुबह से वेट कर रही हूँ और सुबह से बर्तन जमा कर रही हूँ, नाश्ते से लेके अभी शाम के 6 बज रहे हैं और शाम की चाय तक के बर्तन मैं जमा कर चुकी हूँ, और मैं किसी को भी धोने नहीं दे रही थी बिकॉज़ आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस डिशवॉशर। तो अभी मैं इसको फर्स्ट टाइम खोलूँगी और इसमें बर्तन लगाऊँगी। सो लेट्स गो, पहले हम इसका स्विच ऑन कर लेते हैं। स्विच मुझसे बहुत दूर है। सो द डिज़ाइन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, स्टेनलेस स्टील का इसकी बॉडी है और देखने में बहुत अच्छा है। अब जब हम यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यूज़ करने में कैसा है। सो आई एम गोइंग टू ओपन दिस। इसके सारे फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसकी सबसे ऊपर की ट्रे है ना, ये बंद नहीं होते। अच्छा, ये खुल जाता है, आप इस पर अपने चमचे वमचे रख सकते हैं, है ना? I don't know. ये देखो। हाँ, ये मैं करना चाह रही थी। हाँ, जैसे अगर आपके पास ज़्यादा बर्तन हैं, हाँ पतीले वतीले अगर हैं तो आई थिंक, हाँ तो आप उनको यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, है ना? बस हाँ, ये ऐसे बिठा के ना यहाँ पे आप अपने बर्तन पर क्या पतीले वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाली हो गई ट्रे, इसको स्लाइड कर सकते हैं अंदर ऐसे। तुम तो कह रहे थे 3, ओ ये है ना। आई थिंक इसमें चमचे वमचे रख सकते हैं, है ना? ये है वो, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं पावर बॉल नहीं कहते इसको, डिस्क क्या कहते हैं, क्वांटम मैक्स नहीं, वो जो होता है ना एक से ज्यादा एक है भाई, ये है, ये रिंसेड है, ये मुझे पता है रिंसेड है, ये है प्लस ये है आई थिंक। अभी हम खोलेंगे तो हमें पता चलेगा। रिंसेड से मुझे पता है, रिंसेड से मुझे ये पता है कि बर्तनों में शाइन आती है और इससे बर्तन धुलते हैं। पर आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर कि मैंने साथ में लिया। हाँ ठीक है, तोड़ दिया क्या मैंने? ये एक बास्केट टाइप है, आई थिंक बास्केट ही है, और इसमें हम अपने चमचे वमचे रख सकते हैं, है ना? हाँ ऐसे करके, ठीक है। ये कहाँ रखते हैं? आई थिंक नीचे ही होगा। अच्छा,
नीचे रखा था तो नीचे ही होना चाहिए। ये ब्लू ये पर्पल पर्पल के बीच में स्थान होगा सर। पर्पल पर्पल चलो। नहीं थर्मोपोल उतार रहे हैं हम सारे। ये क्या है? अच्छा ये इसको इसमें खाना जो फिल्टर होता है वही है ना? और इसमें अपना ये आप सॉल्ट डालते हैं, अगर खारा पानी हो आपका तो उसको सही कर देता है, और उसमें से ऐसे करके आप सॉल्ट डाल देते हैं। तो ये इसके साथ आया था अभी। आई डोंट थिंक वी नीड इट। यहाँ पे वो सोप रखने के लिए, नहीं यहाँ सोप रखने के लिए, और यहाँ पे वोट डालने के लिए रिंसेड। अच्छा हम ये देख लेते हैं, ये फिनिश का है। फिनिश का था। एक ही दिए। ओ दो दिए। रिंसेड। इससे आपके बर्तनों में शाइन आती है। आप इसको एक दफ़ा डाल दें तो ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और आपको हर वॉश हर लोड के लिए इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि ये दो हैं। आई डोंट नो व्हाई। दिस इज़ गुड जेस्चर। आई थिंक हर डिशवॉशर के साथ आता हूँ, शायद हम ज़्यादा देख सकते हैं। हाँ हम देसी हैं ना, हम खुश हो जाते हैं फ्री चीज़ें देख के। इसमें बिल्कुल जाके फिट हो गया, तो इसका मतलब है कि ये सीकली बना है, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। हेलो फ्रॉम इनसाइड द डिशवॉशर। मैं नीचे वाले ट्रे में प्लेट्स लगा रही हूँ। अब बारी है सेकंड ट्रे में ग्लासेस और मग्स सेट करने की। ये भी अच्छा है, दिस इज वर्किंग। ये चमचे वगैरह हम यहाँ सेट कर देंगे। गिरा सकते हैं? स्टील है, डाल दो। चलिए अब हम इसको बंद कर रहे हैं। One eternity later. क्या मिला भाई तुम्हें? So इस मैनुअल में लिखा है कि ये है फॉर हाफ लोड, ये है अगर आपको फास्ट फंक्शन चाहिए, ये है स्टीम ग्लॉस फंक्शन, और ये है एक्विंटेंस फंक्शन। आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट हम फास्ट फंक्शन करेंगे। और ये टाइम डिले है ना? ये डिलेड उसके लिए। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त चीज है। हाँ कि डिलेड फंक्शन रात को लगा के सुबह चल जाए। हाँ ये कि आप उसमें अपनी मर्जी से आप टाइम सेट कर सकते हैं। आप बहुत मेरे मुंह के अंदर हैं। इस डिलेड फंक्शन का मतलब ये है कि जैसे रात में आपने लगा दिया और आप चाह रहे हैं कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे वो खुद से चल पड़े, तो आप ये वाला फंक्शन दबा के ये सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमें तो फास्ट फंक्शन चाहिए, सो हम इसको ऑन कर सकते हैं। P1 सेलेक्ट हुआ है, और हमें ये हमें 4-3.5 घंटे में धो के दे रहा है, हमें इतना नहीं चाहिए। हम 1 घंटा 10 मिनट में हमारे बर्तन धुल जाएंगे। अच्छा ये रेड इंडिकेटर ओएस कह रहा है कि हमारे इसमें सॉल्ट नहीं है, तो अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे ही धो लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर दूँ? हाँ। वाह 1 मिनट वैसे ही ख़त्म हो गया। चलो जी अब हम आराम से बैठ के
चिल करते हैं। डिशवॉशर बंद हो चुका है और हमारे बर्तन धुल चुके हैं, सो आई एम वेरी ईगर टू ओपन दिस और बस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो एंड चेक। गर्म हो रहा है, ग्लासेस तो चमक रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, बट यू कैन सी ये लस्सी वाले ग्लासेस थे और इन पे जमी हुई थी लस्सी थोड़ी बहुत ना, और अब ये एक्चुअली चमक रहे हैं। नहीं देखो ना साफ है, सैनिटाइज भी हो गया है सारा। प्लेट्स को देख लेते हैं, गरम ये निकली है भाई प्लेट ऐसी अंदर से, ठीक है। यप पूरी ड्राई भी है, चिकनी भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है। ये इसमें तेल था, लाइक मैंने तेल फेंका था और उसको हल्का सा कंगाला था, लेकिन ये बिल्कुल भी अब चिकना नहीं है। अच्छा इनमें हल्का हल्का पानी क्यों है, क्या वजह? तुमने उल्टे नहीं रखे थे। अच्छा चलो तो मेरी गलती है, बट हाँ ये भी ओप्स ये चिकना चिकना था, ये बिल्कुल साफ़ हो गया। थिंग्स आई हैव लर्नड इसमें ये कि चमचे मुझे नेक्स्ट टाइम उल्टे में रखूँ, और इस तरह की कोई गहरी चीज़ है तो उसको भी मैं या तो टेढ़ा रखूँ ताकि पानी इसमें ना बैठे। तो आई थिंक ये पास हो गया, और अब हम प्रॉपर इसका रिव्यू आपको देंगे एक महीने या दो महीने बाद, सो स्टे ट्यून्ड।